स्वास्थ्य और सुंदरता संबंधित नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए डॉक्टर ठक्कर्स हेल्थ प्लेनेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हल्के भूरे रंग का चीकू सा दिखने वाला रोएदार कीवी सबसे पहले चीन में इस्तेमाल किया जाता था। चीन से यह न्यूजीलैंड में पहुंचा और आज विश्व भर में इसे खाया जाता है। यह एक पहाड़ी फल है। अपने सुंदर रंग और मीठे स्वाद के कारण कीवी फल लोगों की पसंद बनता जा रहा है। यह स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ाने में भी अत्यंत लाभकारी है। यह फल अनेक गुणकारी खनिज, विटामिन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जैसे कैल्शियम, कॉपर, फोलेट, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के आदि। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह फल बहुत से रोगों से मुक्ति पाने में और अनेक रोगों के प्रतिरोध में सहायक सिद्ध हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि 100 ग्राम कीवी में 61 कैलोरी, 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर, 25 mg फोलिक एसिड और अन्य अनेक लाभकारी तत्व होते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे 30 दिन में आपका वजन और पेट की चर्बी कम करने के लिए कीवी फल को कैसे खाएं और कीवी फल खाने में क्या सावधानी रखें, और साथ ही वजन और पेट की चर्बी कम करने में सहायक एक महत्वपूर्ण टिप इस वीडियो के अंत में दी है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष ठक्कर आपका आरोग्य मित्र स्वागत करता हूँ आप सभी का डॉक्टर ठक्कर हेल्थ प्लेनेट में। पेट की अतिरिक्त चर्बी और वजन कम करने के लिए कीवी फल। इस फल में बहुत कम कैलोरी होती है, इसलिए इस फल के सेवन करने से वजन और अतिरिक्त चर्बी तेजी से कम करने में सहायता मिलती है। इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो बॉडी में फैट को जमा नहीं होने देते। यह फल केवल नुकसान पहुंचाने वाले फैट को कम करता है। लगातार 30 दिनों तक हर दिन 1 से 3 कीवी के फल खाने से चर्बी और वजन कम होने में सहायता मिलती है। कीवी फल के अन्य लाभ। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। यह फ्रूट हमारी पाचन प्रणाली के लिए फायदेमंद होता है। यह कई फाइबरों और बहुत से पाचन एंजाइम से भरपूर होता है, जो पाचन के लिए अच्छे और महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक्टिनिडिन नाम का प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होता है, जो प्रोटीन के विभाजन में मदद करता है। यदि आप पेट खराब होना, अपच और अन्य पेट की समस्याओं से परेशान है, तो आपके लिए यह फल का सेवन करना फायदेमंद होगा। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ना। बहुत सारे पोषक तत्वों के कारण हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है यह फल। इसमें विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमें संक्रमण से बचने की शक्ति देते हैं। अनेक अध्ययनों से यह पता चला है कि सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों की संभावना को कम करने में भी यह फल लाभकारी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इस फल में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने में सहायता मिलती है। सूजन कम करना। इसके अलावा कीवी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे सूजन की समस्या दूर होने में भी सहायता मिलती है। अच्छी नींद। इस फल के तत्व मन को शांत बनाने और अच्छी नींद लाने में भी लाभकारी है। इसलिए अगर आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं आ रही है, तो रोज 1 से 2 कीवी के फल अवश्य खाएं। आंखों के लिए है फायदेमंद। आंखों की ज्यादातर समस्याएं विटामिन ए और ल्यूटिन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। इस फल में ल्यूटिन और विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बेहतर बनाने और आंखों की अनेक समस्याओं से मुक्ति पाने में लाभकारी है। त्वचा के लिए लाभकारी। यह फल हमारी त्वचा की रक्षा के लिए एक लाभकारी विकल्प बन सकता है। इसमें उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक बैक्टीरिया से हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारी त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपनी त्वचा को सुंदर और निरोगी बनाए रखने के लिए इस फल का उपयोग आपके लिए फायदेमंद होता है। अस्थमा में लाभकारी। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होने के कारण यह प्रतिकार शक्ति को मजबूत बनाता है, इसलिए यह फल अस्थमा के रोग और एलर्जी के लिए भी असरकारक है। कीवी फल खाने का तरीका। आप कीवी फल को अकेले ही खा सकते हैं, या इसे तरबूज, सेब, केला आदि फलों के साथ काट कर और मिक्स करके भी खा सकते हैं। इस तरह आपके बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं और इसे सलाद के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं। आजकल बहुत से केक बन रहे हैं, जिसमें कीवी फल को शामिल किया जा रहा है। लोगों के लिए यह पसंदीदा केक बनता जा रहा है। इसे आप ठंडा ग्रीन जूस के रूप में भी बनाकर पी सकते हैं। यह पूरे दिन आपको ऊर्जावान रखेगा। आप केले के साथ इसकी स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं।
कीवी फल खाने में सावधानी। इस फल में लेटेक्स फ्रूट एलर्जी सिंड्रोम वाला एंजाइम्स होता है। जिसे लेटेक्स एलर्जी हो उसे कीवी से भी एलर्जी होगी। एथिलीन गैस से पका हुआ फल ऑर्गेनिक रूप से पके हुए फल की तुलना में ज्यादा एलर्जिक हो सकता है। इस उपाय के परिणामों की संभावना बढ़ाने और वजन को हमेशा के लिए नॉर्मल रखने के लिए वजन बढ़ाने और रोगों को पैदा करने वाली गलतियों को नष्ट करना जरूरी है। 5 गलतियां जो मोटापे और अन्य रोगों को जड़ से नष्ट नहीं होने देती, इस विषय में जानने के लिए यह ई बुक अवश्य पढ़े। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। डायबिटीज, मोटापा और अन्य अनेक रोगों को जड़ से खत्म करने में सहायक एक उत्तम उपाय छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति रोग से दुखी है, असफल उपचारों से निराश है या उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो मुझसे अवश्य बात करें। 18 वर्षों के अनुभव आधारित इस दुख को दूर करने या कम करने का कोई उपचार मेरे को पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। मुझसे बात करने के लिए FC टाइप करके 8097174646 नंबर पर व्हाट्सएप करें। बिना एक्सरसाइज किए और टेस्टी रेसिपी द्वारा बहुत ही कम समय में पेट की चर्बी और वजन को किस प्रकार कम किया जाए, इस बारे में जानकारी देने के लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाए। अब महत्वपूर्ण टिप। अनेक संशोधनों और प्रयोगों से यह बार बार साबित हुआ है कि कपालभाति प्राणायाम पेट की चर्बी और वजन कम करने में लाभदायक है। इस क्रिया में आपको सांसों को जल्दी जल्दी छोड़ना होता है, जिससे आपके पेट की जबरदस्त एक्सरसाइज होती है, जिसके फल स्वरूप चर्बी आसानी से और तेजी से कम होने लगती है। तो आइए जानते हैं कपालभाति करने का सही तरीका। कमर और गर्दन सीधी रहे, इस बात का ध्यान रखकर सामान्य मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद पेट को ढीला छोड़ना है और नाक से सांसों को बाहर छोड़ना है। इस प्राणायाम में मात्र सांस को शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ने की क्रिया में ही पूर्ण ध्यान देना है। इसमें सांस को अंदर लेने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाती है। सांस को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर की ओर लेना है। सांस को बाहर निकालने के लिए जो बल फोर्स लगेगा वह पेट से लगेगा। सहजता से लगातार नाक से सांस को बाहर निकालने और पेट को अंदर खींचने की क्रिया को करते रहना है। कपालभाति करते समय मन में विचार। कपालभाति करते समय कुछ विशेष विचार करने से मन की सफाई होने में सहायता होती है। सांस को बाहर छोड़ते समय मन में विचार करें और कल्पना करें कि जैसे मैं नाक से सांस को बाहर छोड़ रहा हूँ, इस बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे शरीर के सभी रोग और तकलीफें भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। बाहर फेंकी जा रही सांस के साथ मेरे मन की सारी नकारात्मकता, डर, टेंशन, गुस्सा, नफरत, निराशा, दुख, अपराध बोध, हीन भावना आदि विकार भी बाहर निकल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मैं बिना किसी शर्त के सभी को और खुद को भी माफ करता हूँ। मैं मुक्त हो रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ। जिसको जो भी रोग या मानसिक समस्या है उसके नष्ट होने के विचार और कल्पना करने से विशेष लाभ होता है। कुछ सूचनाएं। शांत, हवादार और समतल जगह पर प्राणायाम करने से अधिक लाभ होता है। आरंभ में प्राणायाम को 1 मिनट करें, फिर हर 5 दिन बाद 1 मिनट बढ़ाते हुए 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो इसे दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार बीच में आराम ले सकते हैं। इस प्राणायाम को सुबह पेट साफ करने के बाद खाली पेट करना अधिक लाभकारी होता है। अगर सुबह खाली पेट इसे करना संभव न हो तो खाने के 4 घंटे या अल्पाहार के 2 घंटे बाद इसे कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।